गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे आज समिट कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी और एक हाई लेवल पर होने वाली कॉन्फ्रेंस थी जिसका मेन थीम था अर्थ। इसमें 182 देशों ने मिलकर भाग लिया और 20,000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, जो अलग अलग देशों से संबंधित थे, चाहे वो सरकारी हों चाहे वो गैर सरकारी हों। इस सम्मेलन का जो मेन मोटिव था वो ये था कि विश्व में सभी लोग आपस में मिलकर एनवायरनमेंट इश्यूज के बारे में बातचीत करें। तो कल हम इसके बारे में जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि 3 जून से 14 जून तक 1992 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें विशेष मुद्दा यही था कि पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए, और पर्यावरण संरक्षण पर अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था हमारा अर्थ समिट का। मुख्य जो पॉइंट्स इसके रहे थे कि विकास जो है वो सतत होना चाहिए, जैव विविधता को फोकस किया गया, उस पर पूरी बातचीत की गई। पृथ्वी सम्मेलन की उपलब्धियों में हमने बात की थी कि पृथ्वी सम्मेलन के दौरान दो दस्तावेजों एजेंडा 21 और रियो घोषणा को प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा UNFCCC जैव विविधता और मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर भी बात की गई। तो आज हम थोड़ा सा इन बातों को भी जान लेते हैं कि इन सभी के अंदर क्या बातचीत की गई थी। एजेंडा 21 में 21 मुद्दों को उठाया गया या सुझाव दिए गए या एक गाइडलाइन तैयार की गई कि हमें अपने देश की जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन कैसे करना है, उनके मुद्दों पर कैसे बातचीत करनी है। एजेंडा 21 182 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, 182 देश इस जो रिपोर्ट है उस पर काम कर रहे थे या उस पर बातचीत विचार विमर्श कर रहे थे। इसमें जो मेन पॉइंट्स उन्होंने उठाए थे वो थे गरीबी जब तक हमारे देश से ख़त्म नहीं होती तब तक हम पर्यावरण की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे सकते। गरीबी एक ऐसा मुद्दा है हमारे देश का कि अगर हमारी जनता गरीब है तो पहले हमें उनकी समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा। तो इसमें ये बात की गई कि हमें पहले इन समस्याओं को सुलझाना है, हमें अपनी गरीबी जो है अपने देश की उसे मिटाना है, उसके बाद ही हम पर्यावरण संरक्षण की या पर्यावरण के बचाव या उसके विकास के लिए बातचीत कर सकते हैं। उपभोग के ढंग, ये एक ऐसा मुद्दा है कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे हैं, पृथ्वी प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उसको यूज़ करने की बजाय उसको वेस्ट ज़्यादा कर देते हैं। तो एक ऐसी नीति नियम तैयार किए जाए जिससे हमारे जो प्राकृतिक वस्तुओं का जो उपभोग है, जो उसको यूज़ करने के तरीके हैं, वो सही तरीके से ही उनका उपयोग हो, सही समय पर उपयोग हो, चीज़ों को वेस्ट ना किया जाए। जैसे हम पानी को अपने बहुत वेस्ट करते हैं तो इन चीज़ों को वेस्ट ना किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। स्वस्थ है देश में, अगर जनता बीमार है या बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं तो पहले इस समस्या का निपटारा किया जाए, तभी हम अपने पर्यावरण संरक्षण के बारे में बातचीत कर सकते हैं। वित्तीय संसाधन, किस तरह से हमें अपने जो हमारे पास पैसा है, जो देश के पास पैसा है, उसका इस्तेमाल हम किस तरह से अपने पर्यावरण के लिए कर सकते हैं, अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए कर सकते हैं, क्योंकि बिना फाइनेंस के, बिना धन के चीज़ों को, समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। तो पहले हमें इन्हीं चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। जो हमारे पास प्रौद्योगिकी उपकरण है, यानी कि जो टेक्निकल उपकरण हमारे पास हैं, उनका हम सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपने पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए या अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, हम नई नई टेक्नोलॉजी का, जैसे आपको पता है कि जल से भी बिजली बनती है, तो हम किस तरह से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैसों को बनाने के लिए हम वेस्ट चीज़ों से, जैसे आपने बायोगैस सुना होगा, तो उसका इस्तेमाल करके भी हम जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सिक्योर कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रियो घोषणा। ये भी एक अलग हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट रहा है, इसका एक इम्पॉर्टेंट दस्तावेज रहा है। इस घोषणा में कुल 27 सिद्धांतों को अपनाया गया, जिसमें से कुछ पर हम बात कर रहे हैं।
पर्यावरण संरक्षण विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। यानी कि हम जो अपने देश की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसमें पर्यावरण संरक्षण को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रखा जाए, एक इम्पॉर्टेंट रोल उसका रहे कि पर्यावरण संरक्षण भी हमारे देश के लिए ज़रूरी है। अगर हम विकास की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पर्यावरण संरक्षण की बात करनी चाहिए कि जब तक हमारा पर्यावरण सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, पोल्यूशन फ्री नहीं है, तब तक हम एक अच्छे अपने देश के एक अच्छे विकासशील देश की बात नहीं कर सकते। राष्ट्रों को अपने ज्ञान और तकनीकी को आपस में लेन देन होना चाहिए। हर राष्ट्र के पास कुछ नई टेक्निक्स, कुछ नए नियम्स, कुछ नई चीज़ें होती हैं जिसका वो आपस में आदान प्रदान करके अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पड़ोसी देश या हमारे पड़ोसी राज्य के पास कोई भी टेक्निक्स है जिससे वो अपने पोल्यूशन को ठीक कर सकता है, जिससे वो अपने रिसोर्सेज को कवर कर सकता है, तो उसको भी दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि जो दूसरे राज्य हैं वो भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। सतत विकास की प्राप्ति के लिए निर्धनता को दूर करना। अगर हम विकास की बात कर रहे हैं, अगर हम टिकाऊ विकास चाहते हैं अपने देश में, तो उससे पहले हमें सबसे पहले अपनी निर्धनता को कम करना है, अपने देश की गरीबी को कम करना है। अगर हमारे देश की जनता गरीबी में रहती है तो वो देश के बारे में, देश के विकास के बारे में नहीं सोच सकती। जैसे अनपढ़ लोग नहीं सोच सकते, वैसे ही गरीब लोग पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, उसके बाद ही वो देश के विकास के लिए काम करेंगे। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है, इस जो कॉन्फ्रेंस है उसमें ये मुद्दे उठाए गए कि पहले हमें इन समस्याओं का समाधान करना है, उसके बाद ही हम अपने विकास के लिए, अपने पर्यावरण के विकास के लिए बातचीत कर सकते हैं। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी पर्यावरण तथा विकास नीतियों के अनुरूप संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार दिया जाए। हर राष्ट्र के पास पर्यावरण से संबंधित कुछ नीतियाँ, कुछ नियम बनाए जाते हैं और वो उसका जो मनुष्य है, जो आम मनुष्य है, वो अपने संसाधनों का पूर्ण तरीके से प्रयोग कर सके। ये नहीं है कि उस पर कोई बैन लगाया जाए कि आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। हर राष्ट्र के पास अपनी कुछ संसाधन होते हैं, अपने कुछ रिसोर्सेज होते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो हर क्षेत्र उसका अलग अलग है, कहीं ठंडा कहीं गर्म, किसी के पास कोई रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, किसी के पास कुछ कम हैं, कहीं धूप ज़्यादा है, कहीं पानी ज़्यादा है, तो वो अपने रिसोर्सेज का सही प्रयोग कर सकते हैं, ये ऐसे उन्हें अधिकार दिए जाए। फिर हम बात कर रहे हैं UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें कुल 162 देशों ने समर्थन किया इस बात पे। अब इसमें जो मुख्य मुद्दे उठाए गए वो क्या थे? उन इलाकों को संरक्षण प्रदान करना जो बाढ़ या सूखे से प्रभावित है। अब हर साल कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो उसके कारण वहाँ का जो पूरा एनवायरनमेंट है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, तो उन इलाकों को संरक्षण प्रदान किया जाए, उन इलाकों में ऐसी नीतियाँ, ऐसे नियम लागू किए जाएँ या उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाए जिससे वो अपनी स्थिति से उभर सके। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा की सूचना प्रदान करना। अब ग्रीन हाउस से जो हम गैसें प्राप्त कर रहे हैं उसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए, यानी कि वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज की तरीके से उसको यूज़ किया जा रहा है तो वो उसकी उसका भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए भी कितनी गैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रीन हाउस के कारण समाप्त होते हुए पौधे एवं वनों के सूखे से प्रभावित हैं। ग्रीन हाउस में जो हम गैसें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कारण जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो बहुत प्रभावित होते हैं कि हम उन गैसों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए भी प्रावधान बनाए जाएँ, प्रबंध किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए कि हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। कि अगर हम ग्रीन हाउस ऐसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके संरक्षण की भी बात जो है वो साथ के साथ ही की जाए, ये नहीं कि उनके समाप्त होने के बाद कोई काम किया जाए। तो UNFCCC में इन मुद्दों को उठाया गया, इन पर विशेष बातचीत की गई। फिर है जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन। जैव विविधता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर जगह अलग अलग होता है, कहीं पर हमारे जीव जंतु ज़्यादा हैं, कहीं कम हैं, हर किसी की अपनी जैविक स्थितियाँ होती हैं, तो जैव विविधता के संरक्षण और उनके सतत उपयोग से में संरक्षण करना चाहिए।
जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना कि जो हमारी जैव विविधता यानी कि जो हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं उनको संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना, लोगों में भी ये जागरूकता बनाए रखना कि हमें इस चीज़ को या इस पेड़ पौधे को या इस प्रजाति को संरक्षित करना है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए आवश्यक कानूनी एवं अन्य प्रावधान तैयार करना। फिर हम बात कर रहे हैं वन संरक्षण सिद्धांत की। वनों को हानि पहुंचाने वाले प्रदूषणकारी तत्वों को रोकना चाहिए। सभी राष्ट्रों को वृक्षारोपण तथा वनों को हरा भरा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित देना चाहिए। तो इस पूरी कॉन्फ्रेंस में इन सभी मुद्दों पर विशेष बातचीत की गई। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक इंटरनेशनल लेवल पर होने वाला हमारा कॉन्फ्रेंस था जिसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं।